देख सकते हैं छत में जा रहे हैं हम अभी, तो कसम से यार फुल मौज़ है। 262 सीढ़ियां चढ़ करके हम ऊपर आए हैं, देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा भीड़ है यार। तो ये है जोशीमठ मार्केट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दीपावली, हैप्पी धनतेरस। तो आज है धनतेरस, तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट। तो आज हमको सबसे पहले तो भाई के लिए एक फोन खरीदना, एक अच्छा सा फोन खरीदना है। फिलहाल आज हमको बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है, गाड़ी हमारे यहाँ से 8 बजे निकल जाती है, लेकिन आज 8 से ओवर हो चुका है। तो अभी देखते हैं, अगर गाड़ी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो आज हमको पैदल चलना पड़ेगा। भाई तैयार है ना पैदल चलने के लिए? पैदल जाने के लिए बिल्कुल तैयार, लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं है, पैदल भी जाना हो गाड़ी से पहले पहुंच जाएंगे। ये भी कह रहे हैं कि गाड़ी से पहले पहुंच जाएंगे क्योंकि कच्ची रोड है, फिर भी अगर गाड़ी मिलेगी तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलेगी तो और बढ़िया है। तो अभी हम रोड पे पहुंच चुके हैं और सामने पे सवारी भी दिख रही है और गाड़ी भी दिख रही है, तो शायद किस्मत सही है, लगता ड्राइवर नहीं है, लगता ड्राइवर नहीं है, अभी ड्राइवर नहीं है अभी शायद। मेरे को लग रहा है आजकल गाड़ी लेट ही में जा रही नहीं, क्योंकि आजकल दिन छोटे हो चुके हैं, सुबह 7 बजे तो उजाला ही हो रहा। तो चले आराम से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो दोस्तों अभी हम ऊपर से निकल चुके हैं, वहाँ पर मतलब एक ही गाड़ी थी, सवारी बहुत ही ज़्यादा थी, गाड़ी एक थी, सवारी 20-25 सवारियाँ थी। तो हमने कहा सीट मिलनी तो है नहीं, उससे बड़ा क्यों अपना यहाँ पर टाइम वेस्ट करना, उससे बड़ा चल लो। तो पता है अभी हम इतने ज़्यादा संकट में फंस चुके हैं ना, वहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, एक रोड बाई रोड, एक शॉर्टकट। तो शॉर्टकट रास्ते से ये नदी से जाना पड़ता है और यहाँ से एक लकड़ी का पुल बनाया हुआ था, वो बह चुका है। अब हम कह सकते हैं कि अभी वापस जाना पड़े और वहीं से चलना पड़े, अगर पानी कम होगा तो चल के जा देंगे। अब नॉर्मल है यार। तो ये है नदी, तो हमको इसमें से चल के जाना पड़ेगा। नहीं भाई रेडी है, डर तो नहीं लग रहा? नहीं। वापस चले अभी नहीं भाई, हमसे पहले 2 गाड़ियां आ चुकी है, एक गाड़ी ऊपर ही है, तो हमने चैलेंज दिया कि हमको उन 3 गाड़ियों से पहले मार्केट पहुंचना है, पहले नीचे। तो अभी पहले तो नदी पार करते हैं आराम से, आराम से तो पार जा, सीधा कूद गए नहीं जित बहाव ची बेची तो नहीं पार जा। भाई तो निकल चुका है, मेरे को जाना है। दोस्तों यहाँ देखे यार, कसम से पूरी पैंट भीग गई। अब हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जूते पहनते हैं, चलते हैं। तो दोस्तों अभी हमको गाड़ी मिल चुकी है, ये देख सकते हैं छत में जा रहे हैं हम अभी। तो कसम से यार फुल मौज़ हुए, जो ऊपर वाले जो बंदे हैं ना, वहाँ ऊपर जो गाड़ी का वेट कर रहे थे, वो अभी वहाँ के वहीं खड़े हैं। तो हम 2-3-4 किलोमीटर नीचे निकल चुके हैं। तो पहले तो नीचे नदी में मज़ा आया, उसके बाद अभी छत में जा रहे हैं, इतना ज़बरदस्त वाला मज़ा आ रहा है ना। मतलब इतनी गर्मी हो चुकी थी, यहाँ पे इतनी मस्त हवा चल रही है मुँह पे, बहुत तगड़ी तगड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है भाई, मज़ा आ रहा है, मजा बहुत मजा आ रहा है। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि इस तरह का माहौल मिले, थोड़ा सा पैदल चलने का माहौल मिले, थोड़ा सा छत में जाने का माहौल मिले, तो मजा आ गया। तो यहाँ से हम आपको मस्त मस्त व्यू भी दिखाएंगे अभी अपने गांव का। अब क्योंकि ऐसी जगह पे आ ही रह गए, तो यहाँ से व्यू दिखाना तो बनता है यार। तो आप वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाकी देखो फुल एंजॉय हो रहा है हमारा। तो दोस्तों अभी हम मारवाड़ी पुल पर पहुंच चुके हैं, यहाँ से ऊपर लिमिटेड सवारी। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर पुल पे हैं, यहाँ पे चल रहे हैं, थोड़ा सा गाड़ी का वेट कर रहे हैं, और इधर से बद्रीनाथ से कोई गाड़ी आएगी तो उसमें चल देंगे, क्योंकि आजकल यात्रा सीजन है, गाड़ी मिल जाएगी, पिकअप उकअप कुछ भी मिल जाए, ट्रक मिल जाए, किसी में भी चल देंगे। गिरी पठिल्ला
तो दोस्तों अभी हम चैलेंज तो हार चुके हैं, जो तीनों गाड़ियां वो आगे निकल चुकी है, हमको गाड़ी नहीं मिल रही। अभी पीछे एक पिकअप आ रही है, शायद वो रोक दे। तो दोस्तों अभी हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से पैदल ही जाएंगे, क्योंकि गाड़ी तो मिल नहीं रही। वो पिकअप यहाँ ऊपर ही तक जा रही थी, तो उन्होंने कहा हम मार्केट तक नहीं जा रहे, तो अभी हम पैदल ही निकल चुके हैं। तो अभी हमको ना 9 किलोमीटर चलने हैं यहाँ से। वैसे शॉर्टकट है, शॉर्टकट में 3-4 किलोमीटर होगा, पूरी चढ़ाई है ऊपर। तो अभी देखते हैं, बीच में गाड़ी मिलेगी तो सही है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं यार, चल लेंगे इतना पैदल। तो यात्रा भी इतनी धुआंधार चल रही है ना आजकल, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बस ही बस निकल रही है, इतनी ज़्यादा बसें निकल चुकी है ना अभी हमारे देखने देखने में। तो ये भी खा लीजिए। तो अभी मैं यहाँ से ऊपर पूरी सीढ़ी मिलने वाली है, यहाँ तक हम इतने दौड़ गए ना, पूरी सांस अटक गई। तो अभी गिनते हैं कितनी सीढ़ियाँ हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 262 सीढ़ियां चढ़ करके हम ऊपर आए हैं। कसम से यार, सीढ़ियों में ना इतनी आफत मेरी आज तक नहीं आई, पहले इतनी ज़्यादा सीढ़ियां मैंने देखी नहीं, 262 सीढ़ियां वो भी कंटिन्यूसली। तो अब दिक्कत नहीं है, तो मेन चढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, वहाँ नीचे पुल से हम ऊपर आ गए। तो चलें अब, अब चलते हैं, अब नहीं है दिक्कत। भाई गाड़ी देखने जा रहा, इतनी आफत आ रही है। 100 रुपये बचा हमारे, जो हमने आएंगे 100 रुपये, जो हमने 100 रुपये किराया देना था, वो आराम से मार्केट जा करके 100 रुपये की फर्स्ट क्लास बात खाएंगे, खाना खाएंगे, दब करके जो भी खाएंगे 100 रुपये का बहुत कुछ मिलता है। तो कसम से ना, बचपन की याद आ गई यार, जब हम छोटे थे ना, शाम को 4 बजे छुट्टी होने के बाद गांव जाते थे, वो भी पैदल, और यहाँ पे हमेशा भगवान को हाथ जोड़ के जाते थे। तो तब से आज हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो पहले इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी, यहाँ पे छोटा सा एक टंकी था, अब यहाँ पे बहुत मस्त बन यार, बहुत बढ़िया। ओ भाई, जय हो प्रभु। ये है JP कंपनी, यहाँ ऊपर से लेकर के पूरा नीचे मारवाड़ी तक। तो यहाँ पर ये सामने पे, ये है JP की स्कूल, ये 2 बिल्डिंग है यहाँ पे। दोस्तों अभी हम रूम पे पहुंच चुके हैं, दिव्यांश भाई और मैं। तो ये अपना रूम, अपना रूम ये है ये। तो यहाँ पर मैंने अपनी 3 से लेकर 12 तक की पढ़ाई की थी। तो ये अपना बिस्तर, यहाँ पे पढ़ाई करता था मैं। तो कसम से यहाँ इतनी ज़्यादा यादें जुड़ी हुई है ना मेरी। दोस्तों अभी हम मार्केट पहुंच चुके हैं, तो भीड़ भाड़ देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यार। तो ये है जोशीमठ मार्केट, तो जोशीमठ ब्लॉक में जो भी गाँव है उन सभी का मार्केट यही है। तो चकाचौंध देख सकते हो आज, बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ यार। तो अभी हमको भाई साहब मिल चुके हैं, भाई साहब दो तीन दिन पहले आ चुके थे, भाई साहब की शादी होने वाली है, तो शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे। शॉपिंग हो चुकी है, तो अभी थोड़ा सा भाई का फ़ोन लेते एक जगह से। तो चलिए, तो अभी हम भाई के लिए फ़ोन ला चुके हैं, Vivo Y21 जी, बहुत मस्त लुक है, बहुत तगड़ा फ़ोन है, फुल साइज है, 13 मेगापिक्सल कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी है, और क्या चाहिए था बस गाइस। खुश है ना तू? भाई तू खुश होना चाहिए, बाकी क्या चाहिए हमको। तो अभी टेम्पर्ड लग रहा है, मैंने अपने फोन पे भी लगाना है टेम्पर्ड। जोशीमठ ब्लॉक के आसपास के गांव वाले अगर वीडियो को देख रहे हो, तो आप यहां से फोन ले सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे फोन मिलते हैं, डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा। और ये अंकल जी है, आप पहचान सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, यही इंटर कॉलेज, जोशीमठ इंटर कॉलेज के जस्ट नीचे पे इनका दुकान है, इनका शॉप है, तो यहाँ से राणा कम्युनिकेशन। तो आपको यहाँ से बहुत, मतलब जैसा आपको फोन चाहिए वैसा मिल जाएगा, जैसा मार्केट में आजकल सब चीज है, OnePlus के भी है, आईफोन भी है, हाँ सारा मिल जाएगा, सारे जो भी फोन आपको ऑनलाइन दिखते होंगे, जो भी हो सकता है, जो यहाँ पहुँच सकते हैं, तो सारे फोन आपको यहाँ मिल जाएंगे, अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएंगे। ओ दिव्यांशु, हुआ
तो अभी घर पहुंच चुके हैं। तो कसम से यार इतना ज्यादा मजा आ गया ना आज, मतलब बहुत ही ज्यादा मजा यार। मतलब जाते हुए भी गाड़ी की छत में गए, आते हुए भी गाड़ी की छत में आए। जाते हुए इसलिए गए क्योंकि सीट नहीं थी, लेकिन आते हुए सीट थी, फिर भी गाड़ी की छत में आई, क्योंकि गाड़ी के छत में बैठने का जो एक्सपीरियंस है ना, एक नंबर यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा कमाल। तो मार्केट में मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाया, लेकिन फ़ोन लेने तक हल्का फुल्का ब्लॉग बना चुका था, लेकिन उसके बाद इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी कि ब्लॉग बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। मतलब जगह ही नहीं थी फ़ोन ऐसा करके बाहर निकाल करके ब्लॉग बनाने के लिए। तो फिलहाल अभी घर पहुंच चुके हैं, खाना पीना सब कुछ हो चुका है। तो फिलहाल अभी थोड़ा बहुत एडिटिंग करते हैं, थोड़ा बहुत एडिटिंग क्या, एडिटिंग तो करना ही है, सुबह ब्लॉग अपलोड भी करना है। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करता है। होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आए हो। अगर आए हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी और मज़ेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।